गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि हमें उसकी अप्रोक्सीमेट या फिर आसपास वाली वैल्यू फाइंड करनी है. सो पहले वी विल स्टडी राउंड द नंबर टू नियरेस्ट टेंस, यानी जो भी नंबर दिया है उसको नियरेस्ट टेन की वैल्यू में राउंड ऑफ करना है. टेंस का मतलब क्या होता है, टेन में कितने जीरो होते हैं, वन. अभी एक चीज आप लोग को याद रखनी है, नोट में लिखता हूं, अगर नंबर जीरो से लेके फोर के बीच में आए तो हमें चेंज नंबर चेंज नहीं करना. 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा नंबर आए जो भी अंडरलाइन किया है वहाँ पे, तो हमें चेंज नहीं करना, नो चेंज. अगर वो नंबर 5 से लेके 9 के बीच में है तो वी हैव टू चेंज अ नंबर. अंडरस्टूड? ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर नंबर 0 से लेके 4 के बीच में आता है तो हमें चेंज नहीं करना, और अगर नंबर 5 से लेके 9 के बीच में आता है तो हमें चेंज करना है. अंडरस्टूड? ये याद रखना है कंडीशन, 0 से 4 के बीच में आए तो चेंज करना है, चेंज नहीं करना, और 5 से लेके 9 के बीच में आए तो चेंज करना है. अंडरस्टूड? जब यहाँ पे 10 में 10 आता है तो ये नंबर हम कंपलसरी 0 कर ही देंगे. अभी चेक करो, जो 0 कर रहे हैं वो 0 से 4 के बीच में है या 5 से 9 के बीच में है. ये तो नंबर 5 से 9 के बीच में हुआ, राइट. तो हमें ये नंबर कर तो 0 कर ही देना है, राइट. और उसके आगे का नंबर ये नंबर पे से डिपेंड होगा, पता चलेगा कि उसके आगे का नंबर हमें चेंज करना है कि नहीं, राइट. शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, 0 to 4 नो चेंज का एन सी लिखता हूँ और 5 to 9 का सी लिखता हूँ, यानी चेंज. अंडरस्टूड? 5 आया तो मैं ये 2 को चेंज करूँ, यस, क्योंकि 5 से लेके 9 के बीच में तो चेंज हो रहा है, तो जितने नंबर है आगे के वो तो सेम ही रहेंगे. अभी ये तो हो जाएगा 0, 10 से तो 2 है, तो 2 के आगे कौन सा नंबर आता है, 3, प्लस 1 कर देना. अंडरस्टूड? फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल, अभी यहाँ पे आया 3, तो 3 किसके बीच में आता है, 0 से 4 के बीच में या 5 से 9 के बीच में, 0 से 4 के बीच में, राइट. तो 0 से 4 के बीच में कोई भी नंबर आए तो हमें क्या करना है, नो चेंज. तो ये नंबर तो 0 हो ही जाएगा, ये नंबर 0 हो गया. 3 है तो हमें चेंज नहीं करना, तो 2 का सिर्फ 2 ही लिखना है. समझ में आया? वन मोर एग्जांपल, फाइव आया तो हम चेंज करेंगे, 5 में चेंज है, सो यस. 6 का क्या हो जाएगा, 7, 6 की जगह पे 7, और जो अंडरलाइन किया है वो तो हो गया 0. अंडरस्टूड? वन आया तो हमें चेंज करना है, 1 किसके बीच में आता है, 0 से 4 के बीच में, तो उसमें तो नो चेंज है, 10 से तो हमें एक ही 0 चाहिए. आंसर क्या आएगा, क्यों मैंने इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 है तो हमें नंबर चेंज नहीं करना, और जितने भी नंबर हम अंडरलाइन करते हैं उसको हमें क्या कर देना है, 0. अंडरस्टूड? अभी इसमें देखो लास्ट डिजिट 6 है, 6 है तो हम चेंज करेंगे, 6 किसके बीच में आता है, 5 से लेके 9 के बीच में, तो वो तो चेंज करना है, तो ये नंबर हम चेंज करेंगे. 0 है तो 0 के आगे कौन आता है, 1, और ये हो जाएगा 0.
अंडरस्टूड। ये नंबर को ज़ीरो कर देना है, इसको चेक करो, नाइन है, नाइन में तो हमें चेंज करना है, तो ये एट का क्या हो जाएगा, एट का हो जाएगा एट प्लस वन तो क्या हो जाएगा नाइन, और ये हो गया ज़ीरो। ये बात हुई अबाउट नियरेस्ट टेंस, राइट। अभी हम पढ़ेंगे अबाउट नियरेस्ट हंड्रेड्स, राउंड द नंबर टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। फिर से लिख लेते हैं कन्फ्यूजन ना हो। ज़ीरो से फोर के बीच में आए तो नो चेंज, और फाइव से नाइन के बीच में आए तो हमें चेंज करना है, राइट। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हंड्रेड्स, तो हंड्रेड में कितने ज़ीरो आते हैं, टू, तो ये कंपलसरी पीछे के दो नंबर को हम ज़ीरो कर देंगे, अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे आया टू, टू आया तो हमें चेंज करना, अभी ये लास्ट नंबर चेक नहीं करना है, अभी हमें कौन सा नंबर चेक करना है, ये वाला नंबर हंड्रेड्स है इसलिए। सो टू आया तो हम चेंज करेंगे, टू किसके बीच में आता है, ज़ीरो से फोर के बीच में, तो उसमें तो चेंज नहीं करना, तो ये सेवन चेंज होगा, नहीं, तो क्या आएगा सेवन, और जो अंडरलाइन की है उसको तो हमें कर देना है ज़ीरो ज़ीरो, अंडरस्टूड। ये दो नंबर हो जाएंगे ज़ीरो, राइट। अभी हमें इसको चेक करना है, सिक्स, सिक्स आए तो हम चेंज करेंगे, सिक्स किसके बीच में आता है, फाइव से लेके नाइन के बीच में, तो हमें चेंज करना है, यस चेंज करना है, तो ये सिक्स का क्या हो जाएगा सेवन, सो 56,007, और जो अंडरलाइन की है उसको तो हमें ज़ीरो ज़ीरो कर देना, क्योंकि नियरेस्ट हंड्रेड बोला है, अंडरस्टूड। नियरेस्ट हंड्रेड यानी लास्ट के टू डिजिट्स ज़ीरो, और हमें एट को चेक करना है, एट है तो चेंज होगा, यस, तो ये ज़ीरो का क्या हो जाएगा वन, तो आंसर इज 101, और ये दो नंबर क्या हो जाएंगे ज़ीरो ज़ीरो, अंडरस्टूड। फ्यू मोर एग्जांपल्स ट्राई करते हैं हम। हंड्रेड है तो लास्ट के टू डिजिट तो ज़ीरो हो गए, फोर है, फोर आया तो हमें चेंज करना है, फोर तो नो चेंज में है तो नहीं करना है, नाइन फाइव टू, क्योंकि चेंज नहीं करना तो टू का टू ही रहेगा, और ये दो नंबर्स क्या हो जाएंगे ज़ीरो ज़ीरो। ये दो नंबर को ज़ीरो कर देंगे पहले तो अंडरलाइन करके, यहाँ पे आया ज़ीरो, ज़ीरो आया तो हमें चेंज करना है, नो, ज़ीरो से फोर नो चेंज, तो ये वन का वन ही रहेगा, 50,100, क्योंकि हंड्रेड्स नियरेस्ट हंड्रेड्स बोला है, इसलिए पीछे के दो नंबर तो हमें ज़ीरो करने ही है, अंडरस्टूड। लास्ट एग्जांपल फॉर हंड्रेड्स, हंड्रेड्स है तो पीछे के दो नंबर ज़ीरो, देन हमें इसको चेक करना है, नाइन है, नाइन है तो ये नाइन चेंज होगा, यस, नाइन का क्या हो जाएगा टेन, टेन होगा तो यहाँ पे वन कैरी जाएगी, अंडरस्टूड। सो ये होगा 99,000। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें तो इसमें बढ़ाना था ना, तो ये नाइन का टेन होना चाहिए, तो हम प्लस वन करके देखते हैं, ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो ही है, ये अभी रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस वन करके देखते हैं हम लोग, टेन हुआ, वन कैरी गई, नाइन और ये नाइन, अंडरस्टूड। ये 990 कैसे आया, हमने प्लस वन करना था, यहाँ पे एक नंबर बढ़ाना था, तो प्लस वन किया तो टेन आया, टेन में से यहाँ पे वन कैरी जाएगी, राइट, तो वो एट प्लस वन नाइन हो जाएगा, अंडरस्टूड। नाउ वी विल लर्न अबाउट नियरेस्ट थाउजेंड्स।
नियरेस्ट 1000, 0 से 4 के बीच में नो चेंज और 5 से 9 के बीच में हमें चेंज करना है। थाउजेंड यानी कितने जीरोस? 3 जीरोस, राइट। नाउ ये नंबर हमें चेक करना है, वो नंबर हमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, टू टू आए तो हमें चेंज करना है नो, तो ये 7 चेंज होगा नो, 6 और 3 जीरोस, क्योंकि नियरेस्ट 1000 बोला इसलिए 3 जीरोस। अंडरस्टूड? थाउजेंड है तो लास्ट के 3 जीरो को हम लास्ट के 3 डिजिट्स को हमें 0 कर देने हैं तीनों को। अभी ये वाला नंबर हमें चेक करना है, 9। 9 आया तो चेंज करना है या नहीं करना? 9 है तो चेंज करना है, तो ये 0 को क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो 5 0, ये 0 का क्या हो जाएगा? 1 0 0 0। अंडरस्टूड? लास्ट के 3 डिजिट 0। अभी ये नंबर चेक करो, 5 है तो हमें चेंज करना है इसको, यस। सो 9064 का क्या हो जाएगा? 65। और ये 3 नंबर तो 0 हो गए। अंडरस्टूड? फ्यू मोर एग्जांपल्स। लास्ट 3 डिजिट 0, इसको चेक करो, 9 है तो चेंज करना है यस। तो 26 का क्या हो जाएगा? 27। और ये डिजिट तो हमें 0 ही लगाने। लास्ट के 3 डिजिट 0, 9 है तो चेंज करना है यस। तो 49, 49 प्लस 1 करो तो क्या हो जाएगा? 49 के आगे कौन सा नंबर आता है? 50। सो 8 50 0 0 0 0। अंडरस्टूड ये कैसे हुआ? देखो, प्लस 1 करो, 10, 1 कैरी, 5, 8। अंडरस्टूड 850 कैसे आई है? 8,50,000। लास्ट के 3 डिजिट 0, ये नंबर को हमें चेक करना है, 7 है तो चेंज करना है। 7 किसके बीच में आता है? 5 से लेके 9 के बीच में। तो 5 से लेके 9 के बीच में आए तो हमें तो चेंज करना है। सो क्या होगा इसका आंसर? 66, तो 67। और ये तीनों नंबर को हमें क्या कर देना है? 0। अंडरस्टूड? नाउ नियरेस्ट 10,000, लिख लेते कंडीशन, नो चेंज, और 5 से लिख के 9 तक चेंज करना है हमें, राइट। सो सेम थिंग करनी है 10,000 के लिए। 10,000 यानी कितने जीरोस आते हैं? 4। तो लास्ट के 4 नंबर को हमें 0 कर देना है, राइट। ये नंबर चेक करो, 4 है तो हमें चेंज करना है, 0 से 4 के बीच में, तो नो चेंज, तो ये 8 चेंज होगा, नहीं, 6,08, और बाकी के नंबर सब 0। अंडरस्टूड? नाउ 10,000 है तो लास्ट के 4 डिजिट्स को हम 0 कर देंगे। 7 आया, 7 किसके बीच में आता है? 5 से लेके 9 के बीच में, तो वहाँ पे तो हमें चेंज करना है। तो 7 है तो ये 4 चेंज होगा, 4 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो 9,50,000। अंडरस्टूड?
लास्ट के 4 डिजिट्स को हम जीरो कर देंगे, ये नंबर चेक करना है। 7 है तो हम चेंज करेंगे कि नहीं, 5 से लेके 9 के बीच में आता है 7, तो हम चेंज करेंगे। सो 9 का क्या हो जाएगा, 10, 10 यानी 0, तो यहाँ पे 1 कैरी 7, तो क्या होगा 7 लेफ्ट। अंडरस्टूड, थैंक यू।